दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का जो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच चल रहा था उसमें साउथ अफ्रीका की हार के बाद इंडिया का टिकट WTC फाइनल के लिए लगभग कंफर्म हो गया है। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया पहली टीम बन चुकी है जिसने WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। अब जो लड़ाई है वो दूसरे स्पॉट की है और कंटेंडर है इंडिया और साउथ अफ्रीका। सबसे पहले अपडेटेड पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं। यहां पे टॉप पर ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है जिसके 78.57% ऑफ पॉइंट्स हैं और ऑस्ट्रेलिया पहली टीम है जो WTC फाइनल के लिए ऑफिशियली क्वालिफाई कर चुकी है। और जो दूसरी टीम है पॉइंट्स टेबल में वो है इंडिया। इंडिया के यहाँ पे 58.93% ऑफ पॉइंट्स हैं और इंडिया 99% क्वालिफाई करने वाली है WTC फाइनल के लिए। अभी इसको WTC क्वालिफाइंग सिनेरियो में समझेंगे। और जो तीसरी टीम है पॉइंट्स टेबल में वो है साउथ अफ्रीका जिसके 50% ऑफ पॉइंट्स हैं। अब दोस्तों देखते हैं क्यों इंडिया 99% WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। तो सबसे पहले इंडिया के जो मैचेस बचे हैं वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से बचे हैं, 4 टेस्ट मैचेस जो इंडिया में ही फरवरी मार्च में खेले जाएंगे। अब देखते हैं WTC क्वालिफाइंग सिनेरियो। तो ये है इंडिया और साउथ अफ्रीका का WTC फाइनल क्वालिफाइंग सिनेरियो। तो यहाँ पे हम इंडिया के हिसाब से देखेंगे इसको। अगर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज का रिजल्ट 1-0 होता है इंडिया के फेवर में तो इंडिया के 56.94% ऑफ पॉइंट्स हो जाएंगे। अगर सीरीज का रिजल्ट 2-0 से इंडिया के फेवर में होता है तो इंडिया के 60.6% ऑफ पॉइंट्स हो जाएंगे। वहीं अगर 2-1 से इंडिया जीतता है ये सीरीज तो इंडिया के 58.79% ऑफ पॉइंट्स हो जाएंगे। अगर सीरीज 2-2 से ड्रॉ होती है तो इंडिया के 56.94% ऑफ पॉइंट्स हो जाएंगे। तो ये है इंडिया के विनिंग सिनेरियो के बाद और एक ड्रॉ अगर होता है उसमें कितने परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स हो जाएंगे। उसके बाद अगर इंडिया 3-1 से या 4-0 से या 3-0 से सीरीज जीतेगा तो क्लियर कट क्वालिफाई कर जाएगा फाइनल में। वहीं अगर साउथ अफ्रीका से इन परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स को कंपेयर करें तो देखते हैं साउथ अफ्रीका मैक्सिमम कितने परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स ले सकता है। यहां से साउथ अफ्रीका के 3 टेस्ट मैचेस बचे हैं। अगर साउथ अफ्रीका तीनों बचे हुए टेस्ट मैचेस जीत लेता है तो साउथ अफ्रीका के 60% ऑफ पॉइंट्स हो जाएंगे। अगर साउथ अफ्रीका 2 ही टेस्ट मैच जीत पाता है तो साउथ अफ्रीका के 53.3% ऑफ पॉइंट्स रहेंगे। तो इक्वेशन अब बिल्कुल सिंपल है इंडिया को क्वालिफाई करने के लिए। या तो साउथ अफ्रीका सिर्फ 1 टेस्ट हार जाए तो इंडिया इजिली क्वालिफाई कर जाएगा। अगर साउथ अफ्रीका तीनों मैच जीत लेता है तो इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से 2-0 या 3-0 या फिर 3-1 से जीतना पड़ेगा WTC फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन साउथ अफ्रीका का ये ऑस्ट्रेलिया वाली जो सीरीज चल रही है उसका एक मैच बचा हुआ है, इसमें उनको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो इस मैच का रिजल्ट इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों के लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है। तो ये था दोस्तों इंडिया और साउथ अफ्रीका का WTC फाइनल क्वालिफाइंग सिनेरियो। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पहली टीम बन चुकी है जिसने क्वालिफाई कर लिया है WTC फाइनल के लिए। दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं कि दूसरी टीम कौन सी होने वाली है WTC फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।